गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज अवर इंग्लिश क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न साउंड वर्ड ऑफ वोवेल ओ। स्टूडेंट्स, आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? साउंड वर्ड ऑफ वोवेल ओ। इसके पहले मैंने आपको साउंड वर्ड ऑफ वोवेल ए, वोवेल ई एंड वोवेल आई, इनके वर्ड आपको अच्छे से लर्न करा दिए। उसके बाद लुक एंड मेक के वर्ड बताया था, जिसमें कैसे लेटर्स से जुड़ के वर्ड बनाना होते हैं। अब आज मैं आपको लर्न करा रही हूँ साउंड वर्ड ऑफ वोवेल ओ। स्टूडेंट्स, जैसे ए बार ए वोवेल का वर्ड आपने बोलना सीखा था, ई और आई सीखा था ना, अब ऐसे ही आपको वोवेल ओ के वर्ड में कौन सा साउंड निकलता है वो मैं आपको बता रही हूँ। लुक एट हियर, आई स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? साउंड वर्ड जो होते हैं वो वोवेल ओ वाले, उसका जो आपका साउंड निकलेगा, उसका जो आपका साउंड निकलेगा वो कैसे निकलेगा? ओ। कैसे निकलेगा? ओ। ओ वर्ड, ओ वोवेल का जो साउंड है वो कैसे निकलेगा? ओ। किसी भी लेटर में यदि हम वोवेल ओ को मिलाते हैं तो उससे कौन सा साउंड बनेगा? जो स्वर निकलता है कौन सा निकलता है? ओ। कौन सा स्वर निकलता है? ओ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपने साउंड वर्ड ऑफ वोवेल ए का कहा था, तो वोवेल ए के वर्ड में आपको कौन सा स्वर निकला था? ए। ई में भी ए निकला था, और आई में कौन सा निकला था? ई। आई में कौन सा स्वर निकला था? कौन सा साउंड निकला था? ई। अब ऐसे ही वोवेल ओ में कौन सा स्वर निकल रहा है? ओ। ओ। अब यदि लेटर में कोई सा भी ले लेती हूँ और उसमें ओ लगाती हूँ तो अपना कैसा स्वर साउंड निकलेगा? ओ। जैसे पी एक लेटर है, पी लेटर में यदि हम वोवेल ओ को लिखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा? ओ। क्या हो जाएगा? ओ। ओ। ओ का साउंड निकल रहा है, ठीक है। यदि टी, टी में यदि हम ओ को लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टो। कौन सा साउंड निकला? टो। बी में ओ को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बो। एफ में ओ वोवेल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? फो। डी में ओ वोवेल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? डो।